हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर चैनल। दोस्तों, आज मैं ब्लड यानी कि रक्त के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। रक्त क्या है और कितने प्रकार का होता है, प्लाज्मा क्या है, ब्लड सेल्स क्या है, ब्लड सेल्स के अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। दोस्तों, इस टॉपिक से हर एग्जाम से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ब्लड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस का आंसर आप तुरंत दे लेंगे। इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता दोस्तों। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीएलटी या किसी भी स्टेट की, चाहे राजस्थान पीटीआई हो, चाहे झारखंड हो, अन्य सभी स्टेट की प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, डेली बेसिस पे एमसीक्यू सीरीज दिए जाते हैं प्रीवियस ईयर के, उसका प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लड क्या है। तो दोस्तों, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है ब्लड? एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, जो एक दूसरे को बांध के रखता है। ठीक है, तो रक्त जो है, ब्लड है, एक तरल संयोजी ऊतक है। एक क्वेश्चन यही पे बन जाता है। एंड दोस्तों, हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होता है हमारे शरीर में रक्त की मात्रा। एक वयस्क पुरुष में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मिनिमम 5 लीटर, मैक्सिमम 6 लीटर। इसलिए 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में रक्त की मात्रा होती है, यानी शरीर के भार का 1/12 भाग, यानी 7 से 8% हमारे शरीर में यह मौजूद होता है। एंड दोस्तों, रक्त का पीएच मान जो है 7.35 से 7.45 तक होता है, यानी कि रक्त क्षारीय है। इसका मतलब ए है। पीएच का मतलब होता है दोस्तों, पी से हाइड्रोजन, एस से पी से पावर, एस से हाइड्रोजन, यानी कि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि दोस्तों, कैसे पता चला कि रक्त क्षारीय है इस पीएच मान से? जैसे कि दोस्तों, यदि किसी चीज का पीएच मान 7 आए तो वह उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। अगर 7 से कम है पीएच तो वह अम्लीय होता है। अगर 7 से ज्यादा पीएच है तो वह क्षारीय होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो ब्लड का पीएच मान क्या है? 7.35 से 7.45 तक, यानी यह क्षारीय है। यही इसका 7 से कम होता तो अम्लीय होता, अगर 7 होता तो उदासीन होता, न्यूट्रल होता, ना अम्लीय रहता ना क्षारीय होता। ठीक है, अब बात आता है दोस्तों कि ब्लड का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, जब गर्भावस्था में बच्चा भ्रूणावस्था में रहता है, उस टाइम पर ब्लड का निर्माण होता है हमारे लीवर में, यानी यकृत में, यकृत के मेसोडर्म में। भ्रूणावस्था यानी एम्ब्रियो, जब वह गर्भावस्था में रहता है तो वह लीवर में, उसका भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण होता है लीवर के मेसोडर्म में। एंड वयस्क अवस्था में कहाँ पे निर्माण होता है? तो हमारे बोन मैरो में, जो अस्थियों का बीच वाला खोखला भाग होता है, उसी में अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो, उसी में रक्त का निर्माण होता है वयस्कों में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन गया? बूढ़ावस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो लीवर में होता है। वयस्क अवस्था में जब एडल्ट हो जाते हैं तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, यानी बोन मैरो में। ठीक है, अब दोस्तों, रक्त मरता कहाँ है? रक्त का निर्माण तो यहाँ होता है। ब्लड रक्त का मरता कहाँ है? कहाँ जाके स्टोर होता है? तो यह हमारे प्लीहा यानी स्प्लीन में मरता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक बोला जाता है, स्प्लीन को। ठीक है, अब बात आता है दोस्तों कि रक्त कितने प्रकार का होता है। तो रक्त 2 प्रकार का होता है, एक प्लाज्मा जो द्रवी भाग होता है, और दूसरा ब्लड सेल्स जो कठोर भाग होता है, ठोस भाग होता है। इसको रक्त कणिकाएं या केशिकाएं भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा होता है हमारे संपूर्ण रक्त का 55% भाग होता है, और जो ब्लड सेल्स यानी रक्त कणिकाएं होती है
रक्त का 45% भाग होता है जिसमें से आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले डिटेल में बात करते हैं, जो हमारे रक्त में 55% पाया जाता है। दोस्तों प्लाज्मा जो है वो हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। प्रोटीन की उपस्थिति के कारण यह रक्त जो है अर्ध तरल चिपचिपा सा बना रहता है। जो प्लाज्मा है दोस्तों, इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि प्लाज्मा में जो पानी होता है यानी वाटर होता है वो 90 से 91% पाया जाता है। ठीक है, एंड जो प्रोटीन होता है वो 8 से 9% पाया जाता है, यानी 8% प्रोटीन पाया जाता है। कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं प्लाज्मा में, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथोम्बिन, फाइब्रोनोजन आदि प्रोटीन्स पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा में। ठीक है, एंड इसके अलावा नमक यानी 60.9%, ठीक है, 0.9% नमक पाया जाता है। इसके अंतर्गत सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, फास्फोरस, मैग्नीशियम तथा आयरन पाए जाते हैं। एंड कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मटेरियल जो है 0.1% पाया जाता है, 0.1%, यानी कि इसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत ग्लूकोज, फैट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, कोलेस्ट्रॉल, अमीनो एसिड्स पाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा प्लाज्मा में और भी पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंजाइम्स, एंटीजन आदि। तो इतने सारे चीज पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा में। पानी 91%, प्रोटीन 8%, नमक 0.9% एंड कार्बनिक पदार्थ 0.1%। अब बात करते हैं कि आखिर में प्लाज्मा कार्य क्या करता है। तो प्लाज्मा का कार्य, मुख्य कार्य है कि यह पोषक तत्वों, जिन पोषक तत्वों यानी कि नमक, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इन सब को उत्तकों तक पहुंचाता है। ठीक है, पोषक तत्वों को उत्तकों तक पहुंचाता है और वहां से जो बेकार पदार्थ होता है उत्तकों से, जैसे कि बेकार पदार्थ में यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि को यह बाहर निकलता है। क्या कार्य करता है, पोषक तत्वों को उत्तकों तक पहुंचाता है, वहां से बेकार पदार्थ को बाहर निकालता है। दोस्तों एक बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, उसका कार्य क्या है। जैसे कि एल्ब्यूमिन जो होता है दोस्तों, वो रक्त परासरण दाब पर नियंत्रण करता है, यानी कि हमारे रक्त परासरण दाब को एक समान बनाए रखता है। एंड उत्तकों तक प्रोटीन को पहुंचाना और उनसे संबंधित प्रोटीन को अपने साथ मिलाना एक कार्य होता है एल्ब्यूमिन का। और 100 ml रक्त में 3 से 5 ग्राम एल्ब्यूमिन पाया जाता है। अब बात करते हैं ग्लोब्यूलिन की। ग्लोब्यूलिन क्या करता है दोस्तों, यह एंटीबॉडीज के रूप में कार्य करता है। एंटीबॉडीज यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में कार्य करता है हमारा ग्लोब्यूलिन, और इसकी सहायता से संक्रामक रोगों से शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, संक्रामक रोगों से शरीर की रक्षा करता है ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडीज के रूप में, रोग प्रतिरोधक के रूप में। एंड 100 ml रक्त में 2 से 3 ग्राम यह पाया जाता है ग्लोब्यूलिन। एंड फाइब्रोनोजन क्या करता है दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है फाइब्रोनोजन प्रोथोम्बिन दोनों को, दोनों रक्त को जमाने में कार्य करता है। ठीक है, तो फाइब्रोनोजन जो होता है एक जाल जैसी क्रिया होता है, जाल जाली जैसा क्रिया करके वो रक्त को जमाने में कार्य करता है, जिसे इसका कार्य है रक्त को जमाने में सहायता करता है फाइब्रोनोजन। ठीक है, जैसे कि दोस्तों जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन को हम निकाल देते हैं तो रक्त पतला हो जाता है और जो शेष प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। ठीक है, और बीमारियों की जांच सीरम से ही की जाती है। ये तो था दोस्तों प्लाज्मा के बारे में। अब बात करते हैं ब्लड सेल्स यानी रक्त कणिकाओं के बारे में। जो ब्लड सेल्स होता है, रक्त कणिकाएं होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, एंड प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु भी इसे कहा जाता है। ठीक है,
आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रोधी कणिकाएं, इसका आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक नाम बार बार पूछा जाता है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। एंड प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब इन तीनों का एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी का यानी रेड ब्लड सेल्स का। जो रेड ब्लड सेल्स आरबीसी होता है, वह ब्लड सेल्स यानी संपूर्ण रुधिराणु का यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन तीनों का सबसे ज्यादा भाग आरबीसी होता है, यानी 88% भाग पूरे रुधिराणु का केवल आरबीसी का होता है और कुल रक्त का 40% भाग होता है आरबीसी का। जो आरबीसी होता है दोस्तों, उसमें केंद्रक व लाइसोसोम नहीं होता है। ठीक है, केंद्रक व लाइसोसोम नहीं होता है। एंड केंद्रक भी, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो केंद्रक और लाइसोसोम आरबीसी में दोनों नहीं पाया जाता है। ठीक है, एंड आरबीसी का जो आकार होता है, छोटी चपटी गोल केंद्रक विहीन, बीच में चपटा होता है। ठीक है, और इसका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? आरबीसी का, आरबीसी का निर्माण अस्थियों के खोखले भागों में, अस्थि मज्जा के आरबीएम यानी रेड बोन मैरो से होता है। कभी कभी आरबीएम नहीं देता है, सीधे बोलता है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है या आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो अस्थियों को खोखले भाग में पाया जाता है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। कभी कभी और गहराई से क्वेश्चन पूछ लिया तो कहता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि के खोखले भागों में, बोन मैरो के आरबीएम यानी रेड बोन मैरो में होता है। एंड दोस्तों, बात करते हैं कि आरबीसी की संख्या हमारे रक्त में कितनी पाई जाती है। तो प्रति घन मिलीलीटर रक्त में यानी एक क्यूबी मिलीलीटर रक्त में, प्रति घन मिलीमल रक्त में 50 लाख यानी 5 मिलियन पाया जाता है, यानी एक बूंद रक्त में, यानी प्रति घन यमल रक्त में, या इसको एक क्यूबिक मिलीलीटर भी बोल सकते हैं, में यह 50 लाख यानी कि 5 मिलियन रक्त आरबीसी पाया जाता है। ठीक है, यानी पुरुषों में 45 से 55 लाख, महिलाओं में 40 से 45 लाख पाया जाता है। एंड आरबीसी का व्यास कितना होता है? 7.7 माइक्रोन। और बात करते हैं दोस्तों, आरबीसी का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। आपके मन में प्रश्न होगा कि लाल रंग होता कैसे है, क्यों होता है? तो आरबीसी का जो रक्त का लाल रंग होता है, वह हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है दोस्तों? यह हमको एनर्जी प्रदान करता है, एनर्जी बनाए रखता है। यदि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा दोस्तों, तो आपको एकदम वीकनेस फील होगा, किसी भी कार्य को करने में आपका मन ही नहीं लगेगा। हीमोग्लोबिन से तात्पर्य दोस्तों हीम प्लस आयरन, हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन से तात्पर्य हीम प्लस ग्लोबिन, हीम से तात्पर्य आयरन, एंड ग्लोबिन से तात्पर्य प्रोटीन, यानी कि आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ये ऑक्सीजन के वहन का कार्य करता है। ठीक है, ऑक्सीजन के वहन का कार्य करता है। ऑक्सीजन को हमारे समस्त शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं, प्रत्येक अंगों तक पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। अब बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर में प्रति 100 ml में कितना पाया जाता है? तो दोस्तों, प्रति 100 ml में यानी प्रति 100 मिलीलीटर में हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा, प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 15 ग्राम। एंड दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 90 से 120 दिन तक होता है। और इसका विनाश कहाँ होता है? प्लीहा में होता है, यानी स्प्लीन में होता है। एंड दोस्तों, आरबीसी की कमी से, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है,
तो हमें कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? एनीमिया हो जाता है। ठीक है, एनीमिया हो जाता है जब हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है। आरबीसी की कमी हो गई, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये तो था दोस्तों आरबीसी के बारे में। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाओं की। जैसा कि दोस्तों आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता था, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसा कि दोस्तों डब्ल्यूबीसी जो होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है, हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो डब्ल्यूबीसी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। डब्ल्यूबीसी होता कैसा है? ये रंगहीन पारदर्शी होता है, ये कुल रक्त का ओनली 1% भाग होता है, बट 1% भले भाग होता है दोस्तों, ये हमारे शरीर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट डब्ल्यूबीसी है, क्योंकि हमारे इम्यूनिटी पावर को ये बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को निर्माण करता है। एंड दोस्तों यह आरबीसी की तुलना में आकार में बड़े व संख्या में कम होते हैं। ठीक है, एंड दोस्तों डब्ल्यूबीसी की संख्या प्रति घन मिलीलीटर रक्त में यानी प्रति क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में 5000 से 11000 तक पाया जाता है, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है वो 3 से 5 दिन या 4 दिन तक होता है। और डब्ल्यूबीसी का उत्पत्ति या निर्माण कहाँ होता है? यह अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो को वाइबियम, बोन मैरो के वाइबियम यानी येलो बोन मैरो तथा लसिका ग्रंथि यानी लिम्फेटिक ग्लैंड में इसका निर्माण होता है। जैसे कि दोस्तों आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो के आरबीएम में यानी रेड बोन मैरो में, और डब्ल्यूबीसी का बोन मैरो के वाइबियम यानी कि येलो बोन मैरो में यानी येलो बोन मैरो और लसिका ग्रंथि में होता है। अब बात करते हैं दोस्तों डब्ल्यूबीसी के प्रकार के बारे में। आखिर में डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार का होता है? जो डब्ल्यूबीसी होता है वह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का? पहला है ग्रेन्युलोसाइट जो 70 से 75% भाग पाया जाता है पूरे डब्ल्यूबीसी का, एंड दूसरा है अग्रेन्युलोसाइट यानी यह 25% भाग पाया जाता है। ग्रेन्युलोसाइट यानी कण युक्त होता है, इसमें कण पाया जाता है, एंड अग्रेन्युलोसाइट यानी कण रहित होता है। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट जो 70 से 75% भाग पाया जाता है दोस्तों, यह कार्य क्या करता है? शरीर को जीवाणुओं से बचाता है। ठीक है, फैगोसाइट का काम करता है दोस्तों। जैसा कि ग्रेन्युलोसाइट का उत्पादन रेड बोन मैरो से होता है हड्डियों के, इस शरीर के जीवाणुओं विषाणुओं से बचाता है। ग्रेन्युलोसाइट क्या करता है? शरीर में जीवाणुओं विषाणुओं से बचाता है, जीवाणुओं को खत्म करने की प्रक्रिया को फाइगोसाइट कहा जाता है। तो फाइगोसाइट की क्रिया करता है हमारा ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट की मात्रा की जांच करने के लिए स्टेनिंग नामक विधि अपनाई जाती है, जिसे ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया कहा जाता है। अगर यह पूरी तरह खत्म हो जाए तो इसे अग्रेन्युलोसाइटोसिस कहा जाता है। दोस्तों ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होता है वह 60 से 70% भाग पाया जाता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा संख्या में अधिक, सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, सबसे ज्यादा संख्या में कौन पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में? न्यूट्रोफिल्स। और यह क्या कार्य करता है? बैक्टीरिया से रक्षा करने का काम करता है। ग्रेन्युलोसाइट के अंतर्गत दूसरा है बेसोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स जो होता है 1 से 2% पाया जाता है। यह क्या करता है? इसकी संख्या बढ़ने से गंभीर रोग हो जाता है, कार्बन आदि सूक्ष्म कणों का यह अंतर्ग्रहण करता है। तीसरा होता है ग्रेन्युलोसाइट के अंतर्गत इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स जो होता है 1 से 4% भाग तक पाया जाता है। यह क्या करता है दोस्तों?
यह एंटीजन व एंटीबॉडीज प्रक्रिया के फलस्वरूप बने कणों का परिग्रहण करती है, यानी कि यह एलर्जी रोगों का पता चलता है इसके द्वारा, क्योंकि एलर्जी रोगों का पता एलर्जी की अवस्था में इसकी संख्या जो होती है बढ़ जाती है। जब हमारे अंदर शरीर के अंदर एलर्जी हो जाती है उसके समय इयोसिनोफिल्स की संख्या जो है बढ़ जाती है, ठीक है। तो एलर्जी रोग का पता चलता है इसके द्वारा, एलर्जी की अवस्था में इयोसिनोफिल्स की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, जैसे अस्थमा, ठीक है, इयोसिनोफिलिया आदि। ये तो था दोस्तों ग्रेन्युलोसाइट, डब्ल्यूबीसी के दो प्रकारों में से ग्रेन्युलोसाइट के अंतर्गत न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स के बारे में मैंने बताया। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के दूसरी प्रकार अग्रेन्युलोसाइट के बारे में। जो अग्रेन्युलोसाइट होता है वह 25% पाया जाता है डब्ल्यूबीसी का, और यह कणिका विहीन होता है। कैसा होता है? कणिका विहीन होता है। यह दो प्रकार का होता है अग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होता है वह 5% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5%। और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कोशिका होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कोशिका कौन होती है, तो मोनोसाइट्स होती है। कौन होती है? मोनोसाइट्स होती है। इसका कार्य क्या है दोस्तों? यह आकार में सबसे बड़ी होती है, जिसके कारण यह दूर दूर तक बिना किसी अवरोध के भ्रमण करती है। यह जीवाणुओं के भक्षण करने का काम करती है। मोनोसाइट्स क्या काम करता है? चारों तरफ भ्रमण कर करके जीवाणुओं को भक्षण करती है, खाती है। इसी को फाइगोसाइट एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो मोनोसाइट क्या करता है? जीवाणुओं का भक्षण करता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स 25% पाया जाता है डब्ल्यूबीसी का। यह सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कोशिका है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कोशिका मोनोसाइट्स, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कोशिका लिम्फोसाइट्स, सबसे ज्यादा संख्या में कौन पाया जाता है? न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कोशिका होती है लिम्फोसाइट्स। इसकी उत्पत्ति लिम्फ ग्लैंड, स्प्लीन, लीवर, लिम्फेटिक टिश्यू तथा बोन मैरो में होता है, तथा इसका विशेष रूप से निर्माण लसिका गांठे यानी लिम्फेटिक ग्लैंड के द्वारा होता है। जैसे कि दोस्तों लिम्फोसाइट्स जो होता है रक्त वाहिनियों के अंदर या बाहर भ्रमण करते रहते हैं, अर्थात यह एक ही स्थान पर रहकर एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। जो एंटीबॉडीज करता क्या है? बैक्टीरिया को पहचानने और रक्षा करने का काम करता है। जहां पर धमनियों से रुधिर की सप्लाई होती है, वही धमनियों से रीस करके उसमें लिम्फोसाइट कोशिका लसिका तंत्र का निर्माण करती है। जो अशुद्धियां शरीर में पड़ी रहती हैं, उन अशुद्धियों को मार करके शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है लिम्फोसाइट्स। एंड दोस्तों प्रतिबिंब, लिम्फोसाइट्स जो होता है प्रतिबिंब का निर्माण और पुराने संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। सभी संक्रमणों के प्रति रोग क्षमता प्रदान करती है लिम्फोसाइट। जैसा कि दोस्तों लिम्फोसाइट दो प्रकार का होता है, डी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। डी लिम्फोसाइट जो होता है छोटे आकार के होते हैं और बड़े आकार के होते हैं, और जो टी लिम्फोसाइट होता है दोस्तों वह बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, जबकि मैंने बताया बैक्टीरिया को भक्षण करने का काम मोनोसाइट करता है, और टी लिम्फोसाइट क्या करता है? बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ठीक है। दोस्तों आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात जो होता है 6:1 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। दोस्तों लिम्फोसाइट क्या होता है, मोनोसाइट्स क्या होता है, एंटीबॉडीज क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना। एक एग्जांपल द्वारा आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुसता है, उसे तुरंत प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडीज जो होता है उसको देख लेता है, और वह देख करके बताता है टी लिम्फोसाइट को, और टी लिम्फोसाइट जो होता है यह बैक्टीरिया को मार देता है। बताता कौन है? एंटीबॉडी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरक्षा का काम करता है, रोगों से रक्षा करता है, एंटीबॉडीज उसको देख लेता है और देख के टी लिम्फोसाइट को बताता है, और टी लिम्फोसाइट क्या करता है? उस बैक्टीरिया को मार देता है, और वो बैक्टीरिया मार दिया दोस्तों और जाएगा कहाँ? तक तो वो इकट्ठा होता जाएगा हमारे शरीर में, उसको हटाने का भी तो जरूरत है, कचरा हटाने का भी तो जरूरी है। तो फिर जब एंटीबॉडीज टी लिम्फोसाइट को बता देता है,
कि यहाँ बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को टी लिम्फोसाइट क्या होता है, मार देता है, और फिर एंटीबॉडी जो होता है मोनोसाइट्स को बता देता है, एंटीबॉडी टी लिम्फोसाइट को बताया, टी लिम्फोसाइट उस बैक्टीरिया को मार दिया, और कहा अब मार तो दिया, फिर एंटीबॉडीज केवल बताने का काम कर रहा है, एंटीबॉडीज फिर बताता है किसको, मोनोसाइट्स को। अब मोनोसाइट्स उस मरे हुए बैक्टीरिया को खा लेता है, भक्षण कर लेता है, यानी कि दोस्तों बैक्टीरिया को पहचान और रक्षा करने का काम कौन करता है, एंटीबॉडीज। बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है, टी लिम्फोसाइट। बैक्टीरिया को खाने का काम कौन करता है, मोनोसाइट। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों हमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों के बारे में जान लिया, अब बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स दोस्तों हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है, यानी अगर हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में प्लेटलेट्स है तो हम देर तक काम कर सकते हैं, देर तक काम करने की हमारे में शक्ति रहती है। यदि प्लेटलेट्स की कमी है तो हम थोड़े से ही काम में थक जाएंगे, हमारे में एनर्जी नहीं रहेगा। तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्लेटलेट्स की हमारे शरीर में कमी हो जाती है जब उस समय जो डेंगू होता है दोस्तों, वो जो मादा एडीज मच्छर होती है वह प्लेटलेट्स की कमी कर देती है, प्लेटलेट्स को खा लेती है, एंड प्लेटलेट्स की डेंगू में, डेंगू जो होता है, डेंगू रोग में जो हड्डी तोड़ बुखार होता है उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिससे शरीर एकदम कमजोर होता है, शक्तिहीन हो जाता है। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती है, एंड देर तक काम करने की हमारे में एनर्जी बनी रहती है। जो प्लेटलेट्स होता है इसको बिंबाणु भी कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है, या केंद्रक विहीन होता है। ध्यान रखिएगा आरबीसी एंड प्लेटलेट्स दोनों केंद्रक विहीन होता है, एंड डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त होता है। यह आरबीसी के आकार की 1/3 होती है, एंड दोस्तों प्लेटलेट्स की संख्या प्रति घन मिलीलीटर रक्त में, यानी कि 1 क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में 1.5 से 4 या 5 लाख तक पाया जाता है। इसका जीवन काल 10 से 12 दिन या 7 दिन होता है। इसका कार्य जो होता है, यह रक्त को थक्का बनाने में काम करता है, और विटामिन के जो होता है इसमें सहायता करता है। दोस्तों रक्त के अंदर एक पदार्थ होता है हिपेरिन, जो हमारे शरीर में रक्त को जमने नहीं देता है, रक्त को तरल अवस्था में रहता है, और जब हमारा शरीर कहीं पे कट पिट जाता है, रक्त बाहर निकल जाता है, तो प्लेटलेट्स के कारण ही जो हिपेरिन का प्रभाव होता है वो कम हो जाता है, और प्लेटलेट्स जो है रक्त को जमा देता है, जिससे रक्त हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, वहीं पे जम जाता है। प्लेटलेट्स नहीं होता तो हमारे शरीर में कटने के बाद समस्त रक्त बाहर निकल जाता है और तुरंत हमारी मृत्यु हो जाती। तो दोस्तों ये था प्लेटलेट्स, हमारे शरीर में रक्त को जमाने में, थक्का बनाने में काम करता है, ठीक है, रक्त को थक्का बनाने में काम करता है दोस्तों। अगर दोस्तों प्लेटलेट्स की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो इस स्थिति को थ्रोम्बोसाइटोसिस बोला जाता है, ठीक है। अगर इसकी संख्या घट जाती है तो इस स्थिति को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। एंड दोस्तों अब बात करते हैं रक्त का कार्य क्या होता है, ठीक है। रक्त का कार्य, इतने सारे चीज हम पढ़े, रक्त का कार्य हम देख लिया, हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, हमारे रोगों को रक्षा करता है, ताप नियंत्रण करता है, पोषक पदार्थों को परिवहन करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, एंजाइम्स एंड विटामिन्स हार्मोन्स सभी का परिवहन करता है, हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। तो दोस्तों ये था ब्लड के बारे में संपूर्ण बातें। आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, एक भी पॉइंट इस वीडियो में नहीं छूटा है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो ब्लड से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिले, जिससे आपके लिए मैं इसी तरह का वीडियो बनाती रहूं। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।